और अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो देश पर गर्व करने वाले हर भारतीय को दुख पहुंचाएगी। हम अंतरिक्ष की दुनिया में तो नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं, जैसा हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे ही देश के जमीन पर रहने वाले किसानों की हालत ऐसी है कि वो कई बार एक फसल से सिर्फ एक रुपया ही कमा पाते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में 952 किलो प्याज बेचकर भी किसान के पास सिर्फ एक रुपया क्यों बचता है, और हमारे देश में प्याज के आंसू रोने वाले किसानों के मन की बात कौन सुनेगा। डीएनए में हमारे अगले विशेषण में प्याज के आंसुओं की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। पुणे के एक किसान ने अपने खेत में खून पसीना बहाकर 952 किलो प्याज उगाया, लेकिन जब इस प्याज को लेकर वो मंडी में पहुंचा तो वहां उसे सिर्फ 1.60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 1523 रुपए मिले। अब परेशानी की बात यह है कि मंडी तक प्याज पहुंचाने में इस किसान को करीब 1522 रुपए खर्च करने पड़े, यानी प्याज की खेती करने पर और उसे बेचने पर इस किसान को सिर्फ 1 रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। इस 1 रुपए में किसान क्या खाएगा और क्या बचाएगा, अपने परिवार को क्या खिलाएगा, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा और एक सम्मानजनक जीवन कैसे जिएगा। और यही वजह है कि आज हम एक बार फिर डीएनए में ये सवाल उठा रहे हैं कि इस 1 रुपए का हिसाब कौन देगा। जिस प्याज की कीमत आम आदमी की थाली में पहुंचते पहुंचते 15 से 20 रुपए प्रति किलो हो जाती है, वही उसी प्याज को 1 रुपए वाली सजा क्यों देता है। किसान खेत में पूरी मेहनत से फसल उगाता है और बहुत ही कम कीमत पर उसे बेचता है, और आप जरूरत से ज्यादा पैसे देकर इन्हीं सब्जियों और फलों को खरीद रहे हैं, यानी दोनों ही दुखी हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि बीज का पैसा किसकी जेब में जा रहा है। जिस प्याज के बदले में आप अपने मोहल्ले के सब्जी वाले को आजकल 15 से 20 रुपए प्रति किलो दे रहे हैं, उस कीमत का कितना हिस्सा प्याज उगाने वाले किसान तक पहुंच रहा है। पुणे के एक किसान ने मंडी में 952 किलो प्याज बेचा तो उसकी जेब में सिर्फ 1 रुपया आया। जरा इस बिल को देखिए। पुणे के किसान देवीदास मारुति परमाने ने गुलटेकड़ी मार्केट में 952 किलो प्याज बेचा, किसान को 1 किलो प्याज की कीमत मिली 1.60 रुपए, यानी 952 किलो प्याज का दाम हुआ 1523 रुपए 20 पैसे। लेकिन किसान को इसमें से 91 रुपए 35 पैसे आढ़त देनी पड़ी। प्याज की बोरी उठाने वाले मजदूर को 59 रुपए देने पड़े। बोरे में प्याज भराई के लिए 18 रुपए 55 पैसे खर्च करने पड़े। प्याज का वजन करवाने के लिए 33 रुपए 30 पैसे देने पड़े। प्याज के ट्रांसपोर्टेशन पर 1320 रुपए खर्च हुए, और इस तरह किसान के हाथ में महज 1 रुपया बचा। शिवसेना के नेता संजय राउत को इसी प्याज से जुड़ी अपनी कहानी याद आ गई। जरा सुनिए संजय राउत को एक रेस्टोरेंट में कांदा भाजी यानी प्याज पकोड़े खाने के बदले कितने रुपए देने पड़े थे। मैंने उस दिन मेनू का ऑर्डर दिया, देखिए क्या है, ओनियन रिंग्स है, तो हमारे यहाँ उसको कांदा भाजी बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो ओनियन रिंग्स कांदा का प्याज का बना हुआ है, उसका जो बिल आ गया एक प्लेट का वो 750 रुपया। 750 रुपया चार ओनियन रिंग्स काम देते हैं, और किसान को क्या मिलता है, 50 पैसा भी नहीं मिलता है। हमने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री से जवाब मांगा तो वो मांग और आपूर्ति का अर्थशास्त्रीय सिद्धांत समझाने लगे। जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है और मार्केट में डिमांड कम होती है तो कोई भी चीज के बारे में होता है, लेकिन किसान को पैश का अच्छा रेट मिले इसलिए महाराष्ट्र सरकार पैश पणन डिपार्टमेंट की ओर से खरीदने का विचार कर रही है, उसका निर्णय आज कल में होगा। हमी भाव जब तक नहीं मिलता तब तक उनका जो है ये जो प्रॉब्लम जो चल रही है वो काफी दिन से है। ये मांग लगातार किसानों से मांग की जाती है, लेकिन इसके लिए सरकार जो है हमेशा गोल गोल ही जवाब देता है। आज लोगों के मन में, किसानों के मन में इसके प्रति काफी गुस्सा है। फिलहाल महाराष्ट्र के किसान प्याज के आंसू रोने पर मजबूर है। उनके आंसू कौन पोछेगा, उन्हें कब राहत मिलेगी, ये कोई नहीं जानता। प्याज एक पेरिशेबल यानी जल्द खराब होने वाली फसल है, जिसका स्टॉक करके ज्यादा वक्त तक नहीं रखा जा सकता। ऐसे में तुरंत राहत देने वाले कदम के अलावा एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो हालात साल दर साल बदतर होते जाएंगे। शिरूर से साईनाथ के साथ एहसन अब्बास, जी मीडिया,
मुंबई। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है कि महानगरों में किसी बड़े रेस्टोरेंट में 4 या 5 प्याज से बने पकौड़े 500 रुपए में बिकते हैं, जबकि किसान को 1 किलो प्याज के लिए सिर्फ 1.60 रुपए मिलते हैं। दामों का यह फर्क बता रहा है कि हमारे देश के किसानों और आम लोगों के बीच कितनी गहरी खाई है। आज हम भले ही अपना खुद का स्पेस शटल बनाने में सफल हो गए हों और चांद और मंगल तक पहुंच गए हों, लेकिन जमीन पर हमारे सिस्टम की हालत ऐसी है कि खून पसीना बहाकर खेती करने वाला किसान एक सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकता। आप इस बात पर भी गौर कीजिए कि आप इस 1.5 रुपए के प्याज के लिए 20 रुपए खर्च करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप पैसा खर्च करना नहीं चाहते या पैसा खर्च नहीं कर रहे, आप बाकायदा उस प्याज के लिए 20 रुपए ही दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा उस किसान तक नहीं पहुंचता, और यही इस सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।